नगर निगम की बजट की बैठक में 1,44,00,00,000 रुपए का बजट पास किया गया। बैठक मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बता दें कि बैठक की शुरुआत से ही पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिसके बाद पार्षद खुद आपस में भिड़ गए। हालांकि लगभग 3 घंटे चली बैठक के दौरान हुए हंगामे में बजट को पास किया गया। वहीं बजट बैठक के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ने लगे। इस दौरान मेयर ने कहा कि यह कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, यह हाउस की मीटिंग है। जिसके बाद डिप्टी मेयर राजेश मेहता और पार्षद हितेश जैन आपस में भिड़ गए। देखिए, हमारा प्रपोज बजट 144 करोड़ का था और जो इनकम थी, और एक्सपेंडिचर में 164 करोड़ का दिया गया है। और इस बजट में काफ़ी चीज़ें ऐड भी करी गई हैं जो पहले नहीं होती थी। जैसे पेविंग एंड सीसी स्ट्रीट्स के लिए 25 करोड़ रुपए रखा गया है और ड्रेनेज के लिए 5 करोड़ रुपए रखा गया है। और जैसे स्ट्रे एनिमल्स जो थे उनके लिए 18 लाख रुपए रखा गया है और डोर टू डोर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 15 करोड़ 11 लाख रुपये रखा गया है। नाइट स्वीपिंग हम शुरू कर रहे हैं जो 2,57,00,000 की है। परचेज ऑफ सैनिटेशन इक्विपमेंट 1 करोड़, परचेज ऑफ स्ट्रीट लाइट्स जो एक दिव्या स्कीम के थ्रू है और उस पर सरकार आधा पैसा दे रही है और आधा पैसा निगम दे रहा है, वो 9 करोड़ रुपया है। रेनोवेशन ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स और शॉप्स जो है वो 2.5 करोड़ है। पार्क और ग्रीन बेल्ट मेंटेनेंस 2.70 करोड़ है। डेवलपमेंट ऑफ गौशाला, जो एक नंदीशाला बन रही है और एक गौशाला बन रही है, उसमें 50% गवर्नमेंट दे रही है और 50% निगम लगाएगा, वो 2.5 करोड़ रुपया है। मल्टीप्लेस स्टेशंस सब वार्ड्स में लगाए जाएंगे जिनका 1.25 करोड़ है और सब वार्ड्स में जिम नए भी लगेंगे और जो पुराने हैं उनको रिपेयर भी किया जाएगा, उसमें 1.25 करोड़ है। और जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हायरिंग करती है निगम सैनिटेशन के लिए, उसके लिए 1 करोड़ रुपये रखा गया है। और रेंट ऑफ रोड स्वीपिंग मशीन है 1.15 करोड़ है। योगशाला और डिफरेंट पार्क्स के लिए 2.5 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें जो भी 1 एकड़ से ऊपर ज़मीन के पार्क हैं उनमें योगशाला बनाई जाएंगी। और डेकोरेटिव लाइट्स और पार्क लाइट्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ चौक, स्ट्रीट लाइट, वो 11 करोड़ रुपये रखा गया है। और जो क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स और नालाज हैं जो पूरे शहर में हैं, उसका 70 लाख रुपए रखे गए हैं। और जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसके लिए 75 लाख रुपए रखा गया है। स्ट्रे काउ कॉन्ट्रैक्ट के लिए 40 लाख रुपए रखा गया है और RCC बेंचेस के लिए 55 लाख रुपए रखा गया है। और इसके अलावा जो भी हमारे ज़रूरत है, वो हमारे पास फंड्स हैं पड़े हुए निगम में, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये रखा है कि हर वार्ड में 20-20 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, ताकि चाहे वो अपग्रेडेशन के लिए है या चाहे वो नए बजट जी हाँ वो बजट में अपडेट किया जाएगा। बजट में काफी कमियां थी जिसको रेक्टिफाई कर दिया गया, ठीक करवा के बजट को पास कर दिया गया है। बहुत से मुद्दे उठाए आज मैंने, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, स्ट्रे डॉग का, अवैध कॉलोनियों का था जिसमें 111 पैचेस थे, अप्रूव्ड कॉलोनियों का मुद्दा था, वो सारे सब समिति से पास कर दिए गए हैं। और आने वाले समय में दोबारा से इनको बोला गया है कि अपने जो भी पैचेज है, और 62 से 65 कलोनियाँ कर दी गई हैं, जो कि अम्बाला सिटी से पास होनी है वो 65 कलोनियाँ और 111 पैचेज, जिसमें से इन्होंने 65 पैचेज को पास किया है, बाकी इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो उनको दोबारा हाउस में लाकर सारे पैचेज पास किए जाएंगे, जो कि ओल्ड म्यूनसिपल लिमिट का जितना भी एरिया है वो सारा ही पैचेज बनते हैं, उनको पास करना चाहिए, ना कि किसी प्रॉपर कॉलोनाइजर हैं जो कुछ लोग, उनकी कॉलोनियों को पास करने की बजाय पूरे शहर की जो आम जनता के जो खसरा नंबर छूटे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पास कर दिया जाए। भ्रष्टाचार, सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार हो, लेकिन कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में सीमित हैं, जिनको आज बेनकाब किया है मैंने, और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं और आने वाले समय में इस पर और कार्रवाई करवाई जाए। डीजल में भ्रष्टाचार था, पेट्रोल में भ्रष्टाचार था, जिसके लिए मैंने गाड़ी का नंबर भी दे दिया और DMC ने बोला है अभी अगली मीटिंग तक इसकी जांच करके आपको सौंप दी। विकास होना चाहिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि विकास हो, विकास चल भी रहा है, बहुत सा विकास हो भी रहा है। आप कैंट और अम्बाला सिटी में देखें तो हर तरफ डेवलपमेंट के वर्क चल रहे हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं जो अधिकारियों के एंड पर रह जाती हैं। अगर अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझे तो विकास विकास गति पकड़ सकता है, पार्षदों को सुनाने आना चाहिए। वही पार्षद टोनी ने मुद्दा उठाया कि नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार पनप रहा है कि उस पर लगाम नहीं लगाई गई। नगर निगम द्वारा 5 प्राइवेट गाड़ियां चलाई जा रही है जो नियमानुसार लगाई नहीं जा सकती।
गौरतलब है कि नगर निगम की बैठक मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं बैठक की शुरुआत हर बार की तरह खूब हंगामे भरी रही। शुरुआत में ही पार्षदों की ओर से बजट पर आपत्ति उठाई गई, जिसके बाद आनन फानन में बजट को पास कर दिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।